फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11 पीएन स्टडी में सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैचिंग कॉस्ट विथ रिलेवेंट रेवेन्यू। इस प्रिंसिपल में हमको हमारे द्वारा बिजनेस में जो भी खर्च किए जाते हैं, जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, उनको किस प्रकार से रेवेन्यू के साथ में मैच करना होता है, इसके बारे में बताया गया है। Accurate determination of net profit requires that only the expenses related to the revenue pertaining to the that particular accounting period should be considered. यहाँ पर बताया गया है कि जब हम किसी बिजनेस में नेट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं या उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें रेवेन्यू यानी हमारी जो प्राप्तियाँ या रिसिप्ट हैं उनके साथ में कुल केवल उन्हीं एक्सपेंसेस को मिलाकर कैलकुलेशन करना चाहिए जो उसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होते हैं। देयर हैज़ टू बी अ प्रिसाइज मैचिंग बिटवीन कॉस्ट इनक्योर्ड एंड रेवेन्यू अर्न फॉर ए रिलेवेंट पीरियड। इसके लिए हमें एक निश्चित समय के दौरान जितनी भी इनकम होती है या जो भी हमें रेवेन्यू अर्न करते हैं उसके साथ हमारे द्वारा उसको अर्न करने के लिए जो कॉस्ट आई इसको मैच करना होता है। This concept is popularly known as the matching concept for cost and revenue. इसे हम आय और व्यय का मिलान भी कहते हैं। इसमें हम इनकम और एक्सपेंडिचर को मैच करते हैं जिससे कि हम नेट प्रॉफिट निकाल सकें। For correctly matching revenue to relevant cost, the following consideration must be followed. जब हम इसको मिलाते हैं तो हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहला है रिलीवेंस ऑफ एक्सपेंसेस। हम ये देखेंगे कि हमारे द्वारा जो भी खर्च किए गए हैं किसी इनकम को अर्न करने के लिए वो किस प्रकार से उससे रिलेटेड होते हैं। इन दिस रिकॉर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट द फॉलोइंग शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। और इसके लिए हमें क्या क्या शामिल करना है तो उसमें फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे अदत्तव्यय, ऐसे एक्सपेंसेस जिनके बदले में हमने सर्विसेज तो ले लिए हैं लेकिन जिनका कैश पेमेंट अभी तक नहीं किया है, वो एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें भी पढ़ा है। तो ऐसे एक्सपेंसेस हम इसमें शामिल करेंगे जो कि करंट ईयर में हमने जिसकी सर्विस ले ली लेकिन पेमेंट अभी तक इसका नहीं किया हुआ है, तो चूंकि वो इसी ईयर से रिलेटेड है इसलिए हम उसे करंट ईयर के प्रॉफिट के साथ में शामिल करते हैं। इसके बाद में सेकंड आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हिंदी में बोलते हैं पूर्व दत्तव्य, ऐसे खर्च जिनके बदले में अभी हमने सर्विस नहीं ली है लेकिन उसके बदले में पैसा हम अभी एडवांस में ही दे चुके हैं, उन्हें हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। दोज एक्सपेंसेस आर दोज दैट रिलेट टू द रेवेन्यू आर बेनिफिट टू बी derived in a future period but have been paid in the present period, जिसके बदले में हमें services तो आने वाले समय में मिलेगी लेकिन पैसा हम अभी चुका चुके हैं, तो चूंकि उसके लिए हमने अभी पैसा दे दिया है लेकिन उसका calculation current year से related नहीं है इसलिए हम उस payment को deduct कर देते हैं total payment के साथ। इसका example है prepaid insurance premium या prepaid taxes, क्योंकि हम जब किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें हर साल कुछ पैसा एडवांस में उन्हें पे करना होता है जिसे हम इंश्योरेंस प्रीमियम कहते हैं। इसके बदले में हमें आने वाले एक साल तक सर्विसेज मिलती हैं लेकिन चूंकि हम ये पैसा पहले दे चुके हैं इसलिए हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन में जितना पैसा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है उसे डिडक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद हम इसमें सेकंड जो आइटम देखेंगे वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। द स्टॉक ऑफ गुड्स दैट आर नॉट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर मस्ट बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एज ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है वर्ष के अंत में बिना बिका माल। ये बिना बिका माल कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि रॉ मटेरियल का, उसके बाद में होता है वर्क इन प्रोग्रेस का, इसके बाद होता है फिनिश गुड्स का, तो इन तीन तरह का ये हो सकता है। तो जो बिना बिका हुआ माल होता है वो हम नेक्स्ट ईयर में यूज़ करते हैं फिर सेल करने के लिए, तो इसलिए वो हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो
तो जितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहता है उसके लिए पेमेंट हम इसी साल कर चुके हैं, लेकिन उसको बेचने से पैसा अगले साल मिलेगा, इसलिए इसे टोटल कॉस्ट में से लेस कर दिया जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम इसमें एसेट मानते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं और करंट ईयर के एक्सपेंसेस में इसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए लेस कर लिया जाता है। इसके बाद में होता है थर्ड, इनकम एक्रूड आर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ऐसी इनकम जो कि हमारे द्वारा भी सर्विस देने से पहले ही हमें कैश में मिल गई है, उसे हम एक्रूड इनकम या अर्न्ड इनकम कहते हैं, इसे हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी कहते हैं। चूंकि इसके बदले में सर्विसेज फ्यूचर में हमें देनी है, इसलिए इसे करंट ईयर की इनकम नहीं माना जा सकता, तो इसलिए हम इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी के रूप में शो करते हैं, क्योंकि इसके बदले अभी हमें सर्विसेज देना बाकी हैं और करंट ईयर की इनकम में एडवांस वाला पोर्शन लेस कर दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट, प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल रेवेन्यू आर इनकम। डाउटफुल रेवेन्यू मतलब ऐसी इनकम जिसका मिलने के ऊपर हम पूरी गारंटी नहीं ले सकते कि ये पैसा हमको कैश में मिल ही जाएगा। हो सकता है कि जिन लोगों से वो पैसा हमें वसूल करना था वो पैसा देने की स्थिति में न रहें, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई हो और हमें अब पैसा मिलने के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हों, तो उसे हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसे हमें डूबा हुआ मानना पड़ेगा और ऐसी सिचुएशन में हम इसे एक्सपेंसेस मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं और इसे प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट के नाम से शो करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये पैसा मिल भी जाए परंतु हमें ऐसा लग रहा है कि ये डूब सकता है, इसलिए इसे एक्सपेंसेस माना जाता है। फिर इसके बाद में है फिफ्थ पॉइंट, लॉस इनक्योर्ड। ऑल लॉसेस इनक्योर्ड ड्यूरिंग द प्रेजेंट पीरियड शुड बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलॉन्ग विथ अदर एक्सपेंसेस। यदि हमें बिजनेस में गुड्स को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से लॉस होती है, जैसे गुड्स की सेलिंग परचेसिंग हमारा काम होता है, इसे छोड़कर हम अन्य कोई कार्य करते हैं जिसमें सेल हमारे द्वारा की जाती है, तो किसी टाइम हमने उसे परचेस भी किया होगा, तो उस परचेस प्राइस और सेलिंग प्राइस में अगर हमें लॉस हो जाती है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अदर एक्सपेंसेस मानते हुए शो करते हैं। इससे हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट उस ईयर के लिए हमें पता चल जाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एक्सपेक्ट। ये अकाउंटेंसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि इस प्रिंसिपल के आधार पर ही हमारी अकाउंटेंसी का डबल एंट्री सिस्टम बना है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ड्यूएलिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजेक्शन हैज ट्विन एस्पेक्ट्स। ध्यान देना होगा, एवरी ट्रांजेक्शन हैज ट्विन एस्पेक्ट्स। अब ट्विन क्या होता है, अपन जानते हैं दो लोगों को या जुड़वा जो होते हैं उनको अपन ट्विन्स बोलते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जब हमारे बिजनेस में कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है तो उसके ट्विन एस्पेक्ट होते हैं, मतलब कम से कम दो इफेक्ट उसमें पड़ते हैं, नेमली गिविंग सर्टेन बेनिफिट्स एंड रिसीविंग सर्टेन बेनिफिट्स, जिनसे हमें कुछ बेनिफिट मिलता है और जिसमें हम कुछ बेनिफिट देते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज दैट एवरी डेबिट हैज़ ए करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट क्रेडिट। इस अकाउंट के लिए बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब हम डबल एंट्री सिस्टम में एंट्री करते हैं तो जितने रुपए की एंट्री डेबिट के लिए की जाती है उतने ही रुपए की सेम अमाउंट की एक क्रेडिट की एंट्री भी की जाती है। तो इसमें एक एंट्री डेबिट होती है, एक एंट्री क्रेडिट होती है, इसलिए इसे हम ड्यूल एस्पेक्ट कहते हैं। और इसमें जो भी एंट्री लिखी जाती है उससे बैलेंस शीट से संबंधित मानते हैं, इसलिए इसे बैलेंस शीट कंसेप्ट भी कहते हैं। एज पर दिस कंसेप्ट द टू साइड्स ऑफ बैलेंस शीट ऑलवेज हैव इक्वल टोटल्स। और एक डेबिट एंट्री होती है और एक क्रेडिट एंट्री होती है और अमाउंट दोनों का सेम होता है, इसलिए बैलेंस शीट के टोटल हमेशा इक्वल आते हैं। इसी के आधार पर हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का अकाउंटिंग इक्वेशन बना है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल।
जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं वो लाइबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के इक्वल होती हैं। एसेट्स डेबिट होती हैं और लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों क्रेडिट किए जाते हैं। तो एसेट्स का यानी डेबिट का टोटल इज इक्वल टू क्रेडिट वालों का टोटल। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि डेबिट का टोटल इक्वल होता है क्रेडिट के टोटल के, इसलिए इसे हम बैलेंस शीट का प्रिंसिपल भी कहते हैं, बैलेंस शीट कंसेप्ट भी कहते हैं और प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट भी इसे कहा जाता है। और फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन सजेस्ट दैट रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द रिवार्ड्स एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड विथ गुड्स और सर्विसेस बींग सोल्ड आर रेंडर्ड हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर एंड द वैल्यू ऑफ सच रिवार्ड्स एंड बेनिफिट्स कैन बी एस्टिमेटेड विथ रीजनेबल रिलायबिलिटी ऑल्दो देयर रिकवरी इज ड्यू। इस प्रिंसिपल के अनुसार हमें अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए एंट्री उस समय करनी चाहिए जब हमारे द्वारा किसी गुड्स को सेल किया जाता है या सर्विसेज रेंडर की जाती हैं किसी बायर को। जब हम किसी बायर को कोई गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें पैसा मिलेगा, सेलिंग प्राइस का पैसा मिलेगा। अब ये पैसा मिलने की दो स्थिति हो सकती है, या तो हमें कैश में मिल चुका हो या फ्यूचर में पैसा मिलना हो यानी हमने क्रेडिट सेल की हो। तो यदि इस प्रकार की सिचुएशन होती है कि हमें पैसा बदले में मिल गया है या फ्यूचर में मिलेगा तो उसे हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन के प्रिंसिपल में शामिल मानते हैं। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। सेल ऑफ गुड्स वाज मेड इन जनवरी 2018 बट द अमाउंट ऑफ सेल वाज रिसीव्ड ओनली इन मे 2018 वुड इम्प्लाय एज पर द प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन दैट रेवेन्यू फ्रॉम दिस सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन जनवरी 2018 इटसेल्फ सिंस द ट्रांजेक्शन वाज एंटर्ड इन दैट मंथ। However, if only an advance was paid in July 2018 and the sale had actually occurred in May, then revenue from this sale would actually be recognized in May 2018. इस एग्जाम्पल में बताया है कि यदि हमारे द्वारा गुड्स की सेलिंग 2018 में की गई पर उसका पैसा हमें मई 2018 में मिलता है तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो ईयर था हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड ईयर है वो यहाँ पर अगर हम उसको फाइनेंशियल ईयर माने तो हमारा 2018 में मार्च 31 को ख़त्म होगा तो हमें इसकी एंट्री उसी ईयर में करनी चाहिए और इसके लिए हमें जिस दिन हमने सेल किए हैं उसी दिन हमें इसकी एंट्री करनी चाहिए। तो हमने सेल की है जनवरी 18 में इसलिए इसकी एंट्री जनवरी 18 में की जानी चाहिए। लेकिन यदि ऐसा हो कि सेल तो हम कर रहे हैं मई 2018 में लेकिन उसका पैसा या कुछ एडवांस पैसा हमने जनवरी 18 में किया तो एडवांस पेमेंट करने को सेल नहीं माना जाता। वो सेल तब मानी जाएगी जब उसके संबंध में ट्रांसफर गुड्स के ट्रांसफ़र की प्रोसेस की जाती है। तो इसलिए अगर हम पैसा जनवरी में एडवांस में देते हैं तो उसमें एंट्री नहीं करेंगे। सेल अगर मई में हो रही है तब उसे मई 18 में एंट्री की जानी चाहिए। इसी प्रकार से हमें 12 मंथ का जो पीरियड होता है उसको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव।